हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक विशाखापट्टनम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, हमारे यहाँ ससुराल में दशहरा पूजन किया जाता है। वैसे तो दशहरा पूजन में अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, वाहनों की भी पूजा की जाती है, नए वाहन लिए जाते हैं। और ये देखिए चौकी है, जिसे हमारे यहाँ गोबर से बनाया जाता है। ये जो इस तरीके का चौक होता है, गोबर से बनाया जाता है। तो गोबर तो नहीं मिलेगा, गोबर तो नहीं मिलेगा, क्या नाम है, लेकिन यहाँ पर विशाखापट्टनम में तो मैंने ये पुष्प से ऐसे चौक बना दिया है। और उसके बाद में गाइज, ये जो पुस्तक है, ये देखिए ये पुस्तक है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ डायरी, पुस्तक पे पेन से कलम से पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे, है ना। ये हम स्वास्तिक बनाएंगे ऐसे गाइस। और उसके बाद में हम यहाँ ओम बनाएंगे। और उसके बाद में हम लिखेंगे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। पीछे से साउंड आएगा आपको, तो ये पार्थ जी हैं जो साउंड मचाए पड़े हैं। ये लिख के और इसका पूजन किया जाता है। और गोबर से क्या नाम है बनाया जाता है। गोबर तो यहाँ नहीं है अभी, तो आप ऐसे बना सकते हो, पुष्प से भी बना सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि मैं पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें आप सबको अपने ब्लॉग द्वारा या लाइव में बताती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दशहरे पूजा का भी बताती हूँ, हमारे यहाँ जो होती है। तो ये मैंने बना दिया है गाइस। अब उसके बाद में अब हम इसको क्या करना है, अब हम इस पुस्तक को यहाँ इस चौक पर, ये जो मैंने चौकी है उसके ऊपर चौक बनाया है, हम इसको ऐसे रख देंगे गाइस इसके ऊपर, ठीक है। ये कलम रख दिया। और कलम के बाद में फिर हमें क्या करना है, अपने बेटे से करवा लेते हैं पहले, इसके बाद हस्बैंड से। आओ इधर आओ, इधर आओ पार्थ, आप आके करिए, उसे रहने दीजिए, ठीक है। ये देखिए हमने थाली में दीपक लगाया है, दीपक है और ये क्या बोलते हैं, पकड़िए एक सेकंड पकड़िए, हाँ दीपक हो गया है, धूपबत्ती है, ये हल्दी रोली दोनों ही मिक्स है इसमें, ठीक है। आप इस पर गणेश जी पे पहले, हाँ ओम पे उधर सब पे लगा दीजिए, कोई नहीं ऐसे ही वो गीला रहेगा तो वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा गीला करूँ क्या? ठीक, चावल अच्छे से चढ़ा दीजिए, पुष्प हाँ यहाँ ऐसे पेन पे इस पर और चढ़ा दीजिए, बहुत सारे हैं, पुष्प चढ़ा दीजिए, गणेश जी पे ऊपर चढ़ा दो, पार्थ का हाथ लगवा दो, पार्थ का हाथ पकड़ लो, उसका हाथ लगवा लो, नहीं पुष्प पुष्प आप अपने हाथ में लेके उस दिया ना लुड़का देना, ये दिया लुड़का दिया था इन्होंने, किताब पे लगवा, किताब पे। ओम गंगणपते नमः भक्तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो का ये पापा इसके पार्थ के पूजा करवा रहे हैं, हाँ तो ये हो गई पूजा, बस पुष्पांजलि। इस पे किताब पे भी करवा देते हैं, किताब पे भी करवा दीजिए, करा दिया, ठीक है। तो गाइस ये ऐसे हमारे यहाँ पूजा होती है कि ऐसे पुस्तक पे लिखा जाता है और रोली और हल्दी से किताब को पूजा जाता है, कलम को पूजा जाता है। और ये ज्वारे हैं, ज्वारे कान पे लगा लीजिए, लीजिए लो कान पे लगा लो,
पार्थ की भी लगा दो कान पे, लो पार्थ के फंसा के डबल डबल लगा दो आप ये कान पे, हाँ इसको फंसा दो गोल गोल करके ऐसे का, और थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते तो पार्थ के टीका नहीं लगाया आपने, एक सेकेंड लपेट पार्थ टीका लगा दो तुम्हारे सिर पे, हाथ रखो सिर पे, हाथ रखो सिर पे, हाथ रखो सिर पे, हाथ रखो इधर देखो मामा के पास, जय हो कन्हैया लाल की, हाँ जय हो कन्हैया लाल की। मैं भी कर लूँ पूजा, तो हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है गाइस, ये पार्थ की दूसरी दशहरा पूजा है, तो बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय, माता रानी की जय। और कैसा लगा आपको बताइएगा, जो न्यू जुड़े हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सबके यहाँ भी ऐसी पूजा होती है, किस तरीके की पूजा होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जय श्री राधे कृष्णा, और बस यूँ ही सपोर्ट कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे लाइफ में पूजा पाठ से चीज़ें जो संबंधित हैं मैं आप तक शेयर करूँ, और जय माता दी, और बाय बाय गाइस, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे कृष्णा, जय सियाराम। ये देखिए पार्थ भी कर रहा है, बाय बाय गाइस, बाय बाय।